नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। नरेंद्र मोदी एवं जो यूरोप भिजिट थिला सेथिरे जर्मनी भारत को बहुत बड़ रकम टंका ऑफर करिछि। आमे कही परिबा 10 बिलियन यूरो भारत को एक्चुअली 10 वर्ष भितर जर्मनी दबो। कौन पाई टंका दबो, केते अमाउंट रे जो टंका एक्चुअली कौ कौ फील्ड रे यूज हबो, डिटेल से वीडियो रे कथा हबी, जोटा कि भारतर नक्सा किंवा भारतर फ्यूचर बदले देला भाया किसी जिनस अच्छे या भितर। ओके, आपण देखिपारे द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, जर्मनी प्लीज 10 बिलियन यूरो बायलेटरल कोऑपरेशन विथ द इंडिया। आम जाचे जर्मनी जब भिजिट थिला मोदी से जो चांसलर अच्छा मोदी से सहित मीट थिला, तो से मीट्रे ये कमिटमेंट कराई विदिन 10 इयर्स 10 वर्ष भितर आम भारत को 10 बिलियन यूरो खर्च करवा। इन द सेन्स आम जब भारतीय रूपीज से कैलकुलेशन करवा 75,000 कोटी टंका जर्मनी एक्चुअली भारत को 10 वर्ष दबो, वर्ष वर्ष करके बहुत अधिका नहले भी आम कहीपर कि कम अमाउंट नहीं। ये 10 वर्ष भितर जो जर्मनी दबो भारत को कौ फील्ड रे इन्वेस्टमेंट हबो ना, जर्मनी कही आम एक्चुअली ग्रीन एनर्जी भारत में प्रोड्यूस करवाई ये टंका को निवेश करिवु। ग्रीन एनर्जी कौन ना, आम जानू जो इलेक्ट्रिसिटी बना जाऊँ आइदर कोईला जला जा या फिर पेट्रोल डीजेल जला जा, तेणु ये जो कोईला पेट्रोल डीजेलू आम कहीपर एमिशन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ग्लोबल वार्मिंग कि पृथ्वी गरम हाँपी बहुत बड़ कारण। तेणु भारत जातिसंघ कि कन्फरेन्स ऑफ पार्टीज रे ए जिनस एग्रीमेंट करी कि आम 2070 भितर भारत को जीरो कार्बन एमिशन करवा, तामाने 2070 बेलू भारत कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन हो नाले एनर्जी प्रोडक्शन केमी हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन केमी हम ना ग्रीन एनर्जी हम, कौर ग्रीन एनर्जी आइदर सोलार पावर प्लांट होगा सनलाइट पाखु कि हाइड्रो पावर प्लांट होगा कि आम कहीपर विंड एनर्जी होगा, ए सबुरु एक्चुअली एनर्जी जेनेरेसन हम। कथा उठू जदि ए सबुरु एनर्जी जेनेरेसन हम ना भारत को बहुत बड़ एमाउंट खर्च। जदि आम विश्व बैंक डाटा को नवा भारत को दरकार ए सब जिनस एक्चुअली 15 ट्रिलियन डॉलर पाखापाखी आप्रोक्सीमेटली दरकार, तेणु बहुत बड़ एमाउंट। ता छड़ा भी भारत कमिटमेंट कर 2030 सुधा एटलिस्ट 50% एनर्जी जेनेरेसन करवा ग्रीन एनर्जी, इन द सेन्स हाइड्रो होगा विंड होगा सोलार एनर्जी होगा। 500 गीगावाट एप्रोक्सीमेटली 2030 सुधा भारत जेनेरेसन कर कौठ ना एक्चुअली ग्रीन एनर्जी। तेणु ए सबू जिन भारत स्वप्न देखा फुलफिल करवा कि टाइम अनुसार करवा नॉट सो इजी जदि बड़ रकम पैसा इनफ्लू न हो पुणी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। तेणु जर्मन तो पैसा दब प्लस ग्रीन एनर्जी पैसा दब, आमर जो स्वप्न था 2070-2035 कौटिना कौटी ए सब जिन फुलफिल होगाक जाऊँगी निश्चित भाव में। यूर जर्मनी तर जो कंपनी अच्छी प्राइवेट कंपनी प्लस गवर्नमेंट कंपनी सी किसी बेनिफिट हे, प्लस भारतर भी किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी अच्छा से बेनिफिट हे। ओवरअल जी कथा देखा निश्चित भारत को गोटे बड़ बेनिफिट मिल ए अर्थ में। सेकेंड कथा, मोदी आसवा पूर्व एक्चुअली जर्मनी जो G7 एथर मीटिंग अच्छी जर्मनी से होस्ट करुच्ची से भी मोदीजी को इनभाइट कराई कि G7 एक्चुअली जॉइन करने। पूर्व किसी दिन पूर्व एक्चुअली ये जिनस आशा कराला कि रशिया युक्रेन युद्ध पर मोस्ट प्रोबेबली भारत को जर्मनी एथर डाकन, बट से जिनस एंड कराई कि जर्मनी कही भारत गोटे बहुत बड़ पार्टनरशिप जर्मनी सहित, तेणु आम डेफिनेटली बर्तमान इनभाइट रखु क्या ना भारत प्रधानमंत्री जो नरेन्द्र मोदी अच्छा G7 मीटिंग्रे जॉइन करने। निश्चित भाव में एथेर आपंकर मतामत लिखुँ। चैनल जब भल लगे इनफर्मेशन भल लगे चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। रखुच्छी, नमस्कार।